नमस्कार, आप हैं द खबरदार डॉट कॉम के साथ और मैं हूं बेद। मध्यम वर्गीय परिवार अब बढ़ाएगा देश की जीडीपी। हाँ, सही सुना आपने, वो कैसे बढ़ाएंगे वही बताने वाले हैं हम, तो एकदम सूट बूट लगाकर तैयार हो जाइए। हमारी आपकी कमाई है महीने के 25 से 50 हज़ार रुपया, कुछ होंगे जो 1-2 लाख भी कमाते होंगे। वैसे हम तो ना अंबानी हैं ना ही अडानी जो 1 लाख की चाय पिए रोज, इतना तो हमें महीने में नहीं मिलता जितना ये एक वक्त की चाय पर खर्चा करते हैं। हम ठहरे मध्यम वर्गीय टाइप आदमी जो बड़ी मुश्किल से महीने भर का खर्चा चला पाते हैं। उस पर भी सरकार ने अड़ा दी है टांग और बदल दिया है ट्रैफिक रूल। जहां 250 देने में रास्ता बदलना पड़ता था, वहीं अब अपना स्कूटर घर में ही खड़ा करके जाते हैं। बस सुबह नहलाते हैं उसको ये फील करके कि कितनी गंदी हो गई है कीचड़ में चलकर। अब गलती से निकाल लिए तो और गलती से एक कागज़ भी छूट गया और पुलिस ने धर लिया, तब तो लंका लग जाती है। जितने का पेट्रोल नहीं भर भराया कभी, उतना चालान ठुक कर आ जाता है। बाकी कीमत गाड़ी की वो भी चालान से सस्ती है, तब लगता है इससे अच्छा तो अपना कंडा है, उससे चलाएंगे तो टैक्स फ्री हो जाएगा। अब ऐसी हालत हो गई मध्यम वर्गीय परिवार जैसे कि एक गाना है ना कि रजिया गुंडों में फंस गई, वही हालात हैं साहब। अब इस कानून का पालन करें कि पैदल चलना शुरू कर दें, समझे नहीं आता। बाकी रोड ऐसी है साहब, क्या बताएं, समझ में नहीं आता कि रोड में गड्ढा या गड्ढे में रोड है। चालान वालान तो ठीक है, काब चालान के रुपए से सड़क बनेगा? साहब बोलते हैं हेलमेट पहनो नहीं तो 1,000 का रसीद फाड़ देंगे। अरे साहब फाड़ दीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है, बस रसीदिया हमको ना पकड़ाइएगा नहीं तो हम फाड़ देंगे। काहे कि 500 की औकात नहीं है हमारी। अब आप चाहे गाड़ी जमा कर लो चाहे हमें, काहे कि ना हम काम के हैं ना हमारी गाड़ी, बाकी आपकी मर्जी। वैसे साहब एक राय दूँ एकदम फ्री वाली, वो ये है कि बड़े साहब से बोलिए ना कंडे वाली गाड़ी निकलवा दें जल्दी, ताकि पेट्रोल का पैसा और टैक्स भी ना लगेगा, बड़ा मज़ा हो जाएगा, फिर दारू नहीं गौमूत्र पीकर गाड़ी चलाएंगे। वैसे एक अच्छी और बेहतरीन सलाह ये है कि हेलमेट लगाइए, पूरे कागज रखिए, कार में सीट बेल्ट लगा कर निकलिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। बाकी चालान का टेंशन ना लीजिए भाई साहब, सब लेकर चलो, कोनो चालान नहीं कटेगा। बस पुलिस और सरकार को एक ज़रूरी कदम ये उठाना था इससे अलग कि जो भी बिना हेलमेट के दिखे उसको हेलमेट पहना दो। 250-300 में काम खत्म, बस हेलमेट पहनाओ, मुहिम छेड़ दो। जहां दिखा बिना हेलमेट पहना दो, अगली बार पहनकर ही निकलेगा, इस डर से कि कहीं फंसे तो हेलमेट ना पहना दे। डर इससे लगेगा साहब, ना कि 1,000 से 10,000 चालान बढ़ाने से। बाकी आर्थिक स्थिति पता ही है आपको देश की, जो अभी वर्तमान में है, उसको ऊपर चढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका सरकार ने निकाला है वो ये है कि चालान भरकर देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने में सहयोग करें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उसके लिए ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें।